फटक फटक फटक। तुम मुझे नहीं जानते? मुझे? तुम प्रोफेसर पतलून को नहीं जानते? फिर तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा पतलून चढ़ा के। बहुत ही डरावनी कहानी है ये। आज से कई साल पहले एक जंगली कबीले में एक बदनसीब बच्चा था, जिसके तेज दिमाग का लोहा मानने की बजाय उसे अंडे मार मार के बेइज्जत किया गया, और जिसके जबरदस्त फैशन को कोई भी समझ नहीं पाया पतलून चढ़ा के। हालात से मजबूर और परिस्थितियों से परेशान वो बच्चा हार मान चुका था, पर तभी अंतरिक्ष से हुई उस बच्चे पर थेटा रेडिएशंस की बौछार, और वो बच्चा बन गया सबसे होशियार। अपनी नई बुद्धि का इस्तेमाल करके बनाई उसने एक जादुई पतलून, और ये फैसला किया कि हर फेंके हुए अंडे का, हर दी गई गाली का और हर उड़ाए हुए मजाक का बदला लेगा वो अपने कबीले से। सबसे पहले उसने हासिल किया उस कबीले के रक्षक एलियनॉइड प्लाज्मस को, और फिर जब उसका सामना करने वाला कोई न बचा तो वो बन गया कबीले का सरदार पतलू चढ़ा के। और जानते हो वो बच्चा कौन था? कौन था पता? वो बच्चा था मैं यानी प्रोफेसर पतलून।